सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? ये जो एक बॉक्स लाइक केस है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर का डेटा प्रोसेस करते हैं, इसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसे हम केस, टावर, चासिस या फिर बॉक्स भी कहते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर क्या है? पहले तो है ऑप्टिकल ड्राइव, जहाँ पे हम सीडी, डीवीडी इंसर्ट करते हैं। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, फैन, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, बहुत सारे कनेक्टर्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये सारे कंपोनेंट्स इस बॉक्स के अंदर होते हैं। तो मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है? ये ऐसा डिवाइस है जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेन सर्किट बोर्ड है जिसके अंदर सीपीयू भी होता है, रैम, रोम, मेमोरीज होती हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रहते हैं। हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में वो इस मदरबोर्ड के थ्रू होता है। इसमें बैटरी और बायो स्लॉट्स और पावर कनेक्टर्स भी होते हैं। सो अ मदरबोर्ड टाइज एवरीथिंग टुगेदर, हर चीज़ को ये मदरबोर्ड बांध के रखता है। जो भी कंप्यूटर में हम परफॉर्म करते हैं वो उसका रास्ता इस मदरबोर्ड के थ्रू ही निकलता है। दो मेन कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के होते हैं। पहला सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, और दूसरा होता है मेमोरी, जो टेम्पररी होल्डिंग प्लेस है कोई भी हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए। तो सीपीयू या फिर प्रोसेसर, ये क्या होता है? ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। इसकी स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, दैट इज मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड या फिर बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड पे मेजर की जाती है। तो ये साइकिल क्या होता है? साइकिल इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन स्टेप। जो हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन डालते हैं कि हमें ये परफॉर्म करना है, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए ये टास्क परफॉर्म करे, तो उस टास्क को प्रोसेस करने में जो समय उसे लगता है उसे हम साइकिल कहते हैं। कंप्यूटर अपना सारा प्रोसेस अपने ब्रेन के थ्रू करता है और कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं क्योंकि माइक्रो मतलब बहुत छोटा और ये सीपीयू सिर्फ एक इंच स्क्वायर की साइज का होता है। सीपीयू के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है रजिस्टर्स। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वो बहुत सारे अरिथमेटिक, जैसे प्लस, माइनस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि एंड और इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम एक ट्रैफिक पुलिस की तरह भी सोच सकते हैं। ये डायरेक्ट करता है सीपीयू का ऑपरेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ्लो होगी और कौन सा डिवाइस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। नेक्स्ट है मेमोरी, जहाँ पे इस प्रोसेसेस करने की जो टेम्पररी मेमोरी यूज होती है वो यहाँ सेव रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। द फर्स्ट वन इज रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे हम टेम्पररी मेमोरी भी कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब हम कोई प्रोग्राम कंप्यूटर पर रन कर रहे हैं। इसलिए आपकी कंप्यूटर पे जब आप प्रोग्राम्स रन करते हैं तो वो किस स्पीड से रन हो रहा है वो आपकी रैम की मेमोरी पर डिपेंड करेगा। जितनी अच्छी आपके पास रैम मेमोरी होगी आपका प्रोसेस उतना ही स्मूथ रन होगा। रैम के कई टाइप्स हैं, जैसे डायनामिक रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैम, दैट इज एडो रैम, या फिर एसडी रैम। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी और रोम मेमोरी। ये जो मेमोरी है ये परमानेंट मेमोरी होती है।
ये कंप्यूटर के अंदर तब डाली जाती है जब कंप्यूटर बनाया जाता है। इसीलिए ये कंप्यूटर को सारे टास्क कैसे करने हैं वो इस मेमोरी में स्टोर्ड रहता है। रोम के भी अलग अलग टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। सो बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन रैम एंड रोम? सो रैम जो है वो आप तब यूज़ करते हैं जब आप कंप्यूटर चला रहे हैं। जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑफ किया, ये सब कुछ भूल जाएगा, इट विल इरेज एवरीथिंग। इसलिए आपको हमेशा आपका वर्क सेव करके रखना पड़ेगा। और रोम रोम इज़ गुड एट रिमेम्बरिंग, लेकिन हम रोम का दिमाग चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो इन्फॉर्मेशन बिल्ट इन होती है वो जब उसे बनाया जाता है तब इस उसमें डाली जाती है। फिर एक टाइप की मेमोरी होती है कैश मेमोरी, इसको सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं, और ये एक तरह की रैम मेमोरी है। हमेशा कंप्यूटर अगर रैम के थ्रू एक्सेस करे डेटा और प्रोसेस करे तो उसकी स्पीड काफ़ी बार कम हो जाती है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो अपनी कैश मेमोरी में स्टोर करके रखता है जिससे उसका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए। द नेक्स्ट सिस्टम कॉम्पोनेंट इज हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। जो भी प्रोग्राम्स या फाइल्स हम बनाते हैं और उसे सेव करते हैं वो इस हार्ड डिस्क में जाके सेव होती है। इसे हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज भी कहते हैं, बिकॉज इसको भी कंप्यूटर ऑफ करने के बाद इसका डेटा कहीं नहीं जाता, वो हार्ड डिस्क में सेव्ड रहता है। हार्ड डिस्क की साइज हम गीगाबाइट्स, दैट इज बिलियंस ऑफ बाइट्स में मेजर करते हैं। एक टिपिकल हार्ड डिस्क ऐसी दिखती है जिसमें एक सर्कुलर डिस्क होती है और एक हेड होता है जो आगे पीछे मूव होता है इंफॉर्मेशन रीड या फिर उस पर राइट करते वक्त। एक हार्ड डिस्क 1 मिनट में 7,200 से भी ज़्यादा बार स्पिन करती है, वो इतनी तेज़ी से घूमती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ बिटवीन रैम और हार्ड ड्राइव? तो अगर हम एग्जाम्पल देखें एक स्टडी टेबल का, अगर हमारे पास बहुत सारे पेपर वर्क्स और फाइल्स पड़ी है और हम उस पर काम कर रहे हैं, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हम रैम मेमोरी यूज़ करते हुए करते हैं। और जब हमारी एक फाइल बन जाती है, जो फाइनल हमारा काम है, जो हम ड्रॉअर में सेव करते हैं, तो वो उस सेव करने की प्रोसेस हम हार्ड ड्राइव पे करते हैं जो हमारा फाइनल आउटपुट को सेव करता है। द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज अ बायोस चिप। अगर सिंपल टर्म में समझा जाए तो बायोस चिप कंप्यूटर को जगाता है जब हम उसे ऑन करते हैं, और वो कंप्यूटर को गाइड करता है कि उसके पास क्या-क्या पार्ट्स अवेलेबल है और वो क्या काम करते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम निक कार्ड भी कहते हैं। इसे एक Cat5 केबल से कनेक्ट किया जाता है। इससे आपका कंप्यूटर शेयर हो जाता है इंटरनेट के ज़रिए। इसका मतलब आपके कंप्यूटर का डेटा किसी और कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी आप आपका डेटा निकाल सकते हैं। सो नेटवर्क बेसिकली आपके सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़े रखता है। अब देखते हैं आउटसाइड द बॉक्स क्या होता है। सो सबसे पहली चीज़ सीडी या डीवीडी ड्राइव होती है, एक पावर बटन होता है, एक रीस्टार्ट का बटन होता है, यूएसबी पोर्ट होते हैं और ऑडियो पोर्ट्स होते हैं, इन या आउट। माइक अगर यूज़ करना है तो हम ऑडियो इन का इस्तेमाल करते हैं, और स्पीकर या हेडफोन से हमें अगर सुनना है तो ऑडियो आउट का इस्तेमाल करते हैं, और पावर बटन से हम कंप्यूटर ऑन या ऑफ करते हैं। बैक साइड ऑफ द बॉक्स हमें ये सारे पोर्ट्स दिखते हैं जहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स होते हैं,
तो अगर हमारे माउस कीबोर्ड में यूएसबी पोर्ट है या हमें पेन ड्राइव यूज़ करना है जो यूएसबी से कनेक्ट होता है, तो हम उसे इन यूएसबी पोर्ट्स में प्लग इन करते हैं। फिर वीजीए पोर्ट होता है जहाँ पे हम हमारा मॉनिटर का प्लग कनेक्ट करते हैं। एक पावर सप्लाई का प्लग होता है, वो हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। और बहुत सारे ऑडियो पोर्ट होते हैं। एक इथरनेट पोर्ट होता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, और एक लैन पोर्ट होता है जो हमारी नेटवर्क की लैन केबल को कनेक्ट करने के लिए होता है। अगला कंपोनेंट है स्टोरेज। स्टोरेज जो हमारा डेटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन है जो उसे हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करता है, उसे हम स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज मीडिया और स्टोरेज डिवाइस में क्या अंतर है? तो फिजिकल मटेरियल या जो डेटा इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर जिस पे कर रहे हैं उसे हम स्टोरेज मीडिया कहते हैं। एग्जाम्पल सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, इसे हम स्टोरेज मीडिया कहते हैं। और स्टोरेज डिवाइस क्या करता है? स्टोरेज डिवाइस इस मीडिया में से इंफॉर्मेशन हमारे लिए रीड करता है, उसमें रिकॉर्ड करता है, या उसमें से कभी हमें निकालना हो इन्फॉर्मेशन तो हम वो निकाल सकते हैं विद द यूज़ ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो अगर सीडी का एग्जाम्पल ले तो सीडी हमारा स्टोरेज मीडिया हो गया, और जो सीडी रीडर और राइटर होता है वो हमारा स्टोरेज डिवाइस हो गया। डिस्क कैपेसिटी, ये क्या होता है? हम कोई भी फाइल या इंफॉर्मेशन स्टोर करते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी साइज़ कितनी है, वो कितनी जगह लेने वाला है, और उसी के हिसाब से हमें चेक करना होता है कि हमारा जो स्टोरेज मीडिया है उसमें उतना स्टोरेज कैपेसिटी है या नहीं, तभी हम उस फाइल को उसमें स्टोर कर पाएंगे। और अगर उसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो हमें कोई और मीडिया ढूंढना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी हो हमारी फाइल स्टोर करने के लिए। अगर हम स्टोरेज मीडिया के एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, जो अभी हमें नहीं नज़र आती, ये बहुत पहले यूज़ होती थी। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.4 MB का ही डेटा सेव हो पाता था। फिर हम यूज़ करते हैं सीडी और डीवीडी ड्राइव। सीडीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 700 MB का डेटा स्टोर होता है, और डीवीडी में अप्रॉक्सीमेटली 4.7 GB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जो आजकल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो है फ्लैश ड्राइव्स, जिसे हम पेन ड्राइव्स या यूएसबी ड्राइव्स भी कहते हैं। ये एक बहुत छोटा और पोर्टेबल डिवाइस होता है, तो इसे हम यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। इसमें डेटा हम सेव कर सकते हैं और ये डेटा हम किसी भी कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड्स, जो बहुत ही छोटे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो यूजुअली हम डिजिटल कैमरास या फिर स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं। नए टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस है पोर्टेबल हार्ड डिस्क, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे है, जो 500 GB या 1 TB, 2 TB का डेटा सेव कर सकता है। अगेन, ये पोर्टेबल होते हैं इसलिए किसी एक कंप्यूटर में नहीं लगे रहते, ये हम एक कंप्यूटर पे कनेक्ट करके डेटा स्टोर करके इसको हम दूसरे कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है पावर सप्लाई, जिसमें पावर कॉर्ड कनेक्ट होती है और इसमें एक कूलिंग फैन भी होता है। ये उसका पावर सप्लाई है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है बिकॉज इसके बिना आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। पावर प्रोटेक्शन के लिए भी एक कंपोनेंट होता है, उसे हम एक डिवाइस होता है जो जिसे हम यूपीएस कहते हैं। ये एसेंशियली एक बैटरी बैकअप होता है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, अगर पावर फेलियर होता है, तो ये कुछ हद तक आपके सिस्टम को पावर सप्लाई करता है, जिससे आपका डेटा अचानक से चला नहीं जाता। आप उसे सेव कर सकते हैं क्योंकि ये आपको कुछ बफर टाइम देता है आपको सिस्टम यूज़ करने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग टू कीप विनिंग। थैंक यू।